उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदिशंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका यह ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने कोई बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है, और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता।